कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू पर आईटी की छापेमारी में अब तक 300 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी में बरामद किए गए नकदी को गिनते गिनते मशीन ही खराब हो गई। छापेमारी पिछले 72 घंटों से जारी है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं संघ कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं आज शनिवार को वाराणसी के जिला मुख्यालय के बाहर भ्रष्टाचारी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेताओं का विरोध किया। धरने के बाद सभी बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू का पुतला दहन किया। बता दें कि भाजपा नेता वाराणसी महानगर प्रभारी कमलेश झा की अगुवाई में दर्जनों वाराणसी के शहरी सभासद एवं भाजपा नेताओं संघ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह विरोध जताया। उन्होंने कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू के घर पर पकड़े गए अवैध रूप से काले धन के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया, नारे लगाए और उनका पुतला दहन किया। इस धरना व विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से भाजपा नेता तरना वार्ड सभासद रोहित मिश्र, मदन मोहन दुबे खजुरी सभासद, संदीप रघुवंशी नारायणपुर सभासद, बलराम कन्नौजिया शिवपुर सभासद, कुसुम पटेल सरसौल सभासद, आत्मविश्वेश्वर हिलमिल राय, अलगू सिंह, कमलेश झा, जेपी सिंह, राजेंद्र प्रसाद मौर्य पार्षद अकथा, रतन मौर्य राजर्षि मंडल, अजीत सिंह सारनाथ मंडल अध्यक्ष, अनूप जायसवाल, विवेक सिंह सोनू महानगर मंत्री समेत सैकड़ों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार है उसी के विरोध में हमारे भारतीय जनता पार्टी वाराणसी लोकसभा के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर के भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा देश जानता है आज़ादी के बाद कांग्रेस की सत्ता ने घोटाला प्रारंभ कर दिया। नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री हुए सबसे बड़ी घोटाला उसी जगह से प्रारंभ होती, वह जीप की घोटाला है। उसके बाद जो भी कांग्रेस के केंद्र में सरकार रही, चाहे इंदिरा गांधी की रही हो, राजीव गांधी की रही हो, चाहे आपके राव साहब की रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की रही हो, लगातार घोटाले होते हैं। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना है। कांग्रेस आई की सरकार, यही कांग्रेस आई की असलियत है। जब वो सरकार में आते हैं तो जनता के धन को लूटते हैं। 70 वर्षों तक उन्होंने पूरे देश को लूटा है। एक सामान्य से सांसद के घर से अगर 200 करोड़ से अधिक मिल रहा है, जिन्होंने हलफनामे में मात्र 27 लाख की संपत्ति बताई है, तो सोचिए इनके मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के यहाँ क्या स्थिति होगी। ये जब सरकार में आते हैं तब ये जनता को लूटते हैं। आज देश की जनता आक्रोश में है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, कांग्रेस से जवाब मांग रही है। न इनके पास जवाब है, न ये दे पाएंगे। बस उजागर हो गया है इनका चेहरा जनता, और जगह जगह से तो कांग्रेस मुक्त भारत जनता बनाई रही है। जहाँ जहाँ ये बचे हैं वहाँ से भी इन्हें जाना होगा और देश कांग्रेस मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा। क्या मांग करेंगे आज? मांग करेंगे कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो, इनकी इनके सारे उसकी जांच हो और इन्हें सजा मिले। आज किसका पुतला फूका गया है? भ्रष्टाचार का पुतला फूका गया है, भ्रष्टाचारी सांसद का पुतला फूका गया है, कांग्रेस आई का पुतला फूका गया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस कुशासन की जननी है। कांग्रेस ने हमारे देश को नुकसान करने में, देशवासियों की गाढ़ी कमाई का धन लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक भ्रष्टाचारी सांसद धीरज जी का पुतला फूंक करके हमने यहाँ अपना आक्रोश प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी ने इंडी गठबंधन का ये वो चेहरा जनता के सामने उजागर हो रहा है। जहाँ कहीं बंगाल में शिक्षा मंत्री के एक महिला मित्र के घर में फ्लैट में करोड़ों कैश मिलते हैं, कभी सपा सांसद के घर में मुरादाबाद में कैश मिलते हैं, फिर और कभी इस तरह के सांसद जो है झारखंड के, इनके पास जहाँ बैंक में इतनी कैश, इतनी भारी मात्रा में कैश नहीं होता होगा, एक सांसद के घर में मिलते हैं। तो आप इनके अन्य नेताओं की कल्पना कर सकते हैं कि इनके पास कितनी कैश होगी। ये एक इंडी गठबंधन का चेहरा जाहिर करता है। जहाँ देश की पूरी अर्थव्यवस्था कोरोना काल में ठप थी, उस समय माननीय मोदी जी ने अपने देश के गरीबों के लिए 80 करोड़ जनता को अनाज देने का काम किया, मुफ्त वैक्सीन देने का काम किया, और इंडी गठबंधन के कुछ चेहरे अपने सत्ता के संसाधनों से अपने पिताजी का इंग्लैंड से बग्घी मंगा करके, हीरो हीरोइन का डांस करा करके छम्मा छम्मा कराते थे, और माननीय मोदी जी गरीबों के लिए अनाज वैक्सीन उनकी चिंता कर रहे थे।